नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए दिन में। आज है वेंसडे और दिन का हो रहा है 10:45। उठता हूँ गए थे यार, आज मॉर्निंग उठ गए थे 8 बजे, लेकिन उठते उठते उठ गए थे लेकिन उठते उठते बज गया 9:10। और 9:10 से हमने किया वर्कआउट और हमारा करीब हो चुका है 1 घंटा 20 मिनट का वर्कआउट कम्प्लीट। मैं बहुत जल्दी में हूँ आज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑफिस स्टार्ट होने से पहले मुझे कहीं निकलना है किसी ज़रूरी काम के लिए, और ज़रूरी काम निपटाने के बाद हम जाएंगे एक जगह जो है रामगंगा, और उत्तर प्रदेश की हेरिटेज में, यूपी की हेरिटेज में, बरेली के हेरिटेज में उसका बहुत बड़ा नाम है। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और किस किस तरह की जगह है, कैसी जगह है, क्यों फेमस है, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, बट मौका लगा तो उतना कैप्चर करूँगा, क्योंकि वो पड़ेगा रास्ते में और मैं आपको दिखाऊँगा। तो आज की वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। और वर्कआउट की बात थी तो वर्कआउट मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटा 20 मिनट का कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट पोस्ट वर्कआउट मील रेडी है और उसे खा लेते हैं, उसके बाद नहाना है और नहाने के बाद रेडी होना है, नहाने के बाद रेडी हुआ जाता है और उसके बाद निकल जाएंगे फटाफट। और लौटने में हमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन वर्कआउट का शेड्यूल और खाने का शेड्यूल वही रहेगा। तो लंच तो हमने घर में ही करना है, बाहर कुछ नहीं खाना है। पानी हम अपना साथ में लेके चलेंगे, गर्म पानी, पिछली बार भी लेके गए थे लेकिन पिछली बार हम भूल ही गए कि हमारा पानी रखा हुआ है। तो इस बार हम पानी लेके जाएंगे, इस बार हम याद रखेंगे कि हमारा पानी है रखा हुआ। बट अगर कभी याद नहीं रहता या कभी कुछ खाने का मन करता है, जैसे पिछली बार हम ट्रैफिक में फंस गए थे, वहाँ 2 फाटक पड़ते हैं रेलवे फाटक, उन पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ ट्रैफिक में, तो उसकी वजह से हम बहुत लेट हो गए थे, हमें लगे थे 3-3.5 घंटे, और लंच टाइम से काफ़ी आगे निकल गया था और वर्कआउट किए हुए और पोस्ट वर्कआउट मील लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो कुछ खाने का बॉडी अलार्म दे रही थी। तो तब हमने नारियल पानी पिया था और खाई थी वहाँ पर नारियल की मलाई, तो वही एक हेल्दी ऑप्शन मुझे नज़र आता है बाहर जो मैं ले सकता हूँ। गन्ने का जूस नहीं ले सकता और कोई जूस नहीं ले सकता, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, बर्गर, पैटी, ये सब चीज़ें नहीं ले सकता, तो एक नारियल पानी मुझे एक ऐसा ऑप्शन लगता है जो मैं ले सकता हूँ। चलिए बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, खुद ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना और आपका। अब निकलेंगे रेडी होकर और आपको बताएंगे कि कैसे कैसा रहा है आज का शेड्यूल और कैसी ये जगह, तो बने रहिए। पोस्ट वर्कआउट मील में एज ऑलवेज है हमारे पास एक मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस और इसके साथ है हमारे पास पपाया। आज हम बहुत दिनों बाद पोस्ट वर्कआउट में पपाया ले रहे हैं और ये है आधा सेब और इसके साथ ही है हमारे पास उपमा। तो ये बस ये अभी बना है, देखिए धुआं देख पा रहे हैं आप उसमें से, बस मुझे ये धुआं काफ़ी अच्छा लगता है। इसको अगर स्लो मोशन में कर दें तो सिनेमेटिक्स बहुत ही बेहतरीन आएंगे, बट वो करने का टाइम नहीं है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए इसको खा लेते हैं फटाफट। ये सैल्मोनेला सूजी का बनता है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो इसको खाते हैं फटाफट और उसके बाद नहाते हैं और निकलते हैं जहां हमें जाना है और आपसे बात करेंगे फिर उसके बाद। और यही है बरेली से बहने वाली रामगंगा, जिसका अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और स्कंद पुराण में तो इसका जिक्र रतवाहिनी के रूप में भी आता है और ये भारत की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है और बरेली की धरती को भी पावन करती है। बरेली और आसपास के गाँव के लोग इस जगह का एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं और अपने सभी रिचुअल्स को पूरा करने के लिए इसी के तट पर आते हैं। और अब बात कर लेता हूँ मैं अपनी, मुझे लगा था दूर से देख कर कि ये सीढ़ियाँ हैं, बट ये सीढ़ियाँ नहीं, पानी बाढ़ के टाइम पर अगर ऊपर चढ़ जाए तो उस पर नीचे आने का रास्ता बनाया गया है और ये कोने बैठे मछुआरे जो कि पत्ते खेल रहे हैं। और ये रहा मैं जो सोच रहा हूँ कि ऊपर से कूद के आने की जगह इन सीढ़ियों का यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ पहली बार, तो यही वो सीढ़ियाँ हैं जो जहाँ से मुझे आना चाहिए था, जबकि मैं उन ऊँचे वाले प्लेटफॉर्म्स को सीढ़ियाँ समझ रहा था। और ये देखिए जल कितना साफ़ है कोने का, ये है कोना जहाँ मैं खड़ा हूँ डैम का, इसीलिए जल काफ़ी साफ़ है और स्तर कम, लेकिन दूसरी साइड अगर बात करूँ तो जल का स्तर काफ़ी नीचा है और काफ़ी गंदा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर कई शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो ये है सीढ़ियाँ जिससे चढ़कर मैं नीचे उतरा था, अब मैं इन्हीं चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ। ये ट्यूब मछुआरे यूज़ करते हैं मछली पकड़ने के लिए, काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है इसके लिए। और साइड में फैले हुए हैं खेत जहाँ होती है खेती खरबूज, तरबूज, लौकी, तुरई, खीरे और ककड़ी जैसी चीज़ों की। Thank you.
दोस्तों रात का बज चुका है 10:15, सब बैठे खाना खाने के लिए। काफ़ी देर हो गई है, बहुत देर तक मीटिंग्स चल रही थी। अब शाम को मैं गया था थोड़ी देर छत पे वॉक करने के लिए, और 6:15 से लेकर करीब करीब 8 बजे तक मैंने एक मीटिंग थी जहाँ पर मैं साइलेंट पार्टिसिपेंट था, उसको मैंने अटेंड किया। और मैंने सोचा कि उसी दौरान थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, तो काफ़ी स्टेप्स हमारे हो गए थे। अभी बात करेंगे थोड़ी देर में स्टेप्स कितने हुए, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, क्या प्रोग्रेस रही डेली की। उससे पहले खा लेते हैं खाना, और ये बेबी को भी थोड़ा सा खाना खिलाना है, ये मेरे पास बैठा हुआ है। सो आपको दिखाता हूँ खाने में क्या खा रहे हैं। खाने में चपाती, सब्जी, सैलेड, चुकंदर का रायता, दाल। इसको करेंगे फटाफट फिनिश और जाएंगे सोने। बात करते हैं आपसे कल, और कल ही देंगे आपको अपने दिन का स्टेटस अपडेट। टेक केयर, गुड नाइट।